हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू पाठक एक बार फिर से आपके अपने चैनल टाइमिक्स स्टडी जोन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूं जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल स्पीकिंग यू मस्ट हैव सीन सो मेनी सिचुएशंस वेयर यू हैव टू कमांड, वेयर टू आस्क सम पर्सन टू डू एनीथिंग। सो विच आर द वर्ड्स और विच आर द सेंटेंसेस that can be used while commanding any person or while communicating in your day-to-day life. So these are some very handy sentences that can be used in your conversation. So don't miss any sentence and watch this video from beginning to end, and you will find that you will be benefited by all these sentences. So many new words that you can use in your day-to-day life, in your day-to-day conversation. The same thing in the beginning, कि ये जो videos हैं आपके लिए बहुत helpful होने जा रहे हैं, शुरू से अंत तक इन्हें देखें। लेकिन एक चीज और, कि आप लोग इसे लाइक और शेयर करते रहें। आप तो सब्सक्राइब किए ही हैं, लेकिन और भी आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं, आपके भाई हैं और भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी इन वीडियोज के बारे में बताएं और उनसे कहें कि वो ये सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी इनसे बेनिफिटेड होते रहे। तो आपका एक छोटा सा जो काम है वो हमारे लिए बड़ा मददगार होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जब लाइकिंग देते हैं, जब आप शेयरिंग करते हैं, सब्सक्रिप्शंस देते हैं, तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। चले देखते हैं। कहा जाता है ना, जाओ यहां से, दफा हो जाओ, गेट आउट। और कभी कभी आप कहते हैं गेट लॉस्ट, गेट आउट, गेट लॉस्ट, यहां से दफा हो जाओ, दूर चले जाओ। और व्हेन योर मास्टर इज एंग्री, व्हेन डायरेक्टर इज एंग्री एंड ही जस्ट डिसमिस एनी पर्सन, देन क्या कहा जाएगा? तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। यू आर डिसमिस्ड, यू आर फायर्ड, you are dismissed, you are fired. One thing, you are suspended. Suspended means your services are suspended for few days. But when you are dismissed, matlab aapko barkhast kar diya jata hai, you are fired. So these are the sentences: get out, get lost, you are fired, you are dismissed. Okay, now see, तुरंत चले जाओ यहां से, गेट लॉस्ट एट वंस, एट वंस, तुरंत, तुरंत यहां से चले जाओ, गेट लॉस्ट एट वंस। और जब कुछ लोग बात कर रहे हो, कहो कि क्लास में आप हैं, देयर इज अ टीचर एंड ही फाइंड समवन टॉकिंग, सो ही हैज टू से बी कॉशस, सावधान रहो, और बी विजिलेंट, be vigilant, be alert, सावधान रहो, be cautious, be vigilant, be alert, सावधान रहो। Now see, next, कहते हैं अपने काम से काम रखो भाई, बात मत करो, अपने काम से काम रखो। तो क्या बोला जाता है? mind your own business, mind your business, mind your business, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। देखिए, आप इस सेशन को अगर देखते हैं, तो आप अगर लगातार हमसे जुड़े हैं, तो बिलीव मी, बस कुछ ही समय में यू विल बी वेरी एक्ट, यू विल बी वेरी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता, बस यू हैव टू मेंटेन योर रेगुलरिटी। अगर आपने रेगुलरिटी मेंटेन की है, तो यह है, कहते हैं साफ साफ साइन करो, साइन लेजिबली और राइट लेजिबली, यू कैन ऑल्सो से क्लियरली, साइन क्लियरली, साइन लेजिबली। नाउ सी, बटन्स बंद कर लो, कमीज की बटन तो शर्ट्स बटन, तो बंद करने के लिए आप कभी नहीं बोलोगे कि क्लोज योर बटन्स, बटन्स क्लोज नहीं किया जाता, ड्रॉअर क्लोज किया जाता है।
जब बटन बंद करने की बात आती है तो आप क्या बोलते हैं, टाइट योर बटन्स, अपने बटन्स बंद कर लो, टाइट योर बटन्स। ये अब देखें, आप कहते हैं ना कि अपनी बुरी आदतें सब छोड़ दो, तो बुरी आदतें क्या होता है, ये भाव है, कोई ऐसा नहीं कि पकड़ के छोड़ दिया। लीव क्या होता है, लीव योर चाइल्ड हियर, अपना बच्चा यहां छोड़ दो, थोड़ा देर खेल ले, लीव योर बुक हियर। बट व्हेन देयर इज सेंस, जब सेंस की बात आती है तो आप क्या बोलते हैं, गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें अपनी छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। अपने बाल झाड़ लो, कॉम योर हेयर, कॉम योर हेयर, अपने बाल झाड़ लो। आप कहते हैं थोड़ा बगल हटो, गेट असाइड, गेट असाइड, बगल हटो। सो दीज आर सम हैंडी सेंटेंसेस दैट यू कैन यूज इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन, एंड दीज आर कमांडिंग सेंटेंसेस। बगल हटो, यहां से दूर हट जाओ, बटन बंद करो, शांत रहो, सफाई से लिखो। सो दीज आर द कमांडिंग सेंटेंसेस, एंड आई होप कि आफ्टर दीज सेंटेंसेस, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल बी एबल टू यूज दीज कमांडिंग सेंटेंसेस इन योर डे टू डे लाइफ। सो ऑल द कम्युनिकेटिव वीडियोज प्लीज बी रेगुलर ऑन दिस एजुकेशनल सेशन, एंड आई कैन एश्योर यू विद इन मंथ्स यू विल बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली, एंड यू विल नॉट कमिट एनी मिस्टेक, एंड यू विल नॉट बी हेजिटेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। सो यू हैव टू प्रैक्टिस whenever you get any friend, so conversate in English. Don't worry that I may make any mistakes. Okay, don't mind. Keep on conversating in English, and there will be a day when you will be able to speak English properly. So it is all about practice. Regularly watch my videos and do practice with your friends, with your brother or sister, whoever there may be. So you have to keep on doing your practice and regularly watch my videos, and these two things will help you a lot in speaking English. So that's all for today. Thanks a lot.